दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है RD Education। दोस्तों संसद में कृषि से जुड़े तीनों विधेयक पास होने पर PM मोदी ने अन्नदाताओं को बधाई दी है और कहा है कि करोड़ों किसान सशक्त होंगे। तो आइए जानते हैं कि इस बिल के पास होने पर नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या कहा। राज्यसभा में मानसून सत्र के 7वें दिन रविवार को भारी हंगामे के बीच 3 कृषि विधेयकों को पास कर दिया गया है। लोकसभा में पहले ही ये तीनों बिल पास हो गए थे। इसमें पहला है कृषक उत्पादक व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, दूसरा है कृषक कीमत आश्वासन समझौता और तीसरा है कृषि सेवा कर करार विधेयक 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक के पारित होने के बाद ट्वीट करके किसानों को बधाई दी और कहा कि किसानों को बिचौलिए से अब आज़ादी मिल गई है। PM मोदी ने कहा कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे मेहनती किसानों को संसद में प्रमुख विधेयकों के पारित होने पर बधाई, जो कृषि क्षेत्र के संपूर्ण परिवर्तन के साथ साथ करोड़ों किसानों को सशक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा कि दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सबसे आज़ादी मिली है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। हमारे कृषि क्षेत्र को आधुनिकतम तकनीक की तत्काल ज़रूरत है, क्योंकि इससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी। अब इन बिलों के पास होने से हमारे किसानों की पहुँच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान होगी। इससे न केवल उपज बढ़ेगी बल्कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे। ये एक स्वागत योग्य कदम है। PM मोदी ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ कि MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किसान बिल के राज्यसभा में पास होने को आत्मनिर्भर कृषि की नींव बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ विधेयकों के सभी पहलुओं को समझने के लिए कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर को बधाई और शुभकामनाएं देनी चाहिए। एक अन्य ट्वीट में राजनाथ ने कहा कि संसद में दोनों विधेयकों को पारित होना वास्तव में भारत कृषि के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। भारत की कृषि की वास्तविक क्षमता को सामने लाने के लिए उनकी दृष्टि के लिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज राज्यसभा में 2 ऐतिहासिक कृषि विधेयकों के पारित होने के साथ भारत ने आत्मनिर्भर कृषि के लिए मजबूत नींव रखी है। ये PM मोदी के नेतृत्व में सरकार के अंतहीन समर्पण और दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है। दोस्तों इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने भी किसान बिल के राज्यसभा से पास होने का स्वागत किया है। JP नड्डा ने ट्वीट में ये लिखा कि कृषि एवं किसानों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों के संसद में पास होने पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और देश के सभी किसान भाइयों को शुभकामना देता हूं। मैं समर्थन के लिए सभी सांसदों एवं राजनीतिक दलों को भी धन्यवाद देता हूं। तो ये थी दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जिसमें संसद में कृषि से जुड़े तीनों विधेयक पास होने पर PM मोदी ने किसानों को यानी कि अन्नदाताओं को बहुत बहुत बधाई दी है और ये कहा कि करोड़ किसान अब सशक्त होंगे।